लालटेन हुआ करते थे, दिया वगैरह जलाते थे, लाइटें तो अब आई है ना। बना लेंगे आप? हाँ आप तो बना लेंगे, मैं तो गुजारी हुई ऐसे थी। मैं वहाँ ढूंढ ढूंढ के इसको पागल हो गई हूँ और इसको बस यही मट्टी नजर आती है। यहाँ पर है, मैं बैट पकड़े खेल रहा था तो भागी आई, मुझसे बैट ले लिया, कहती मैं खेलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोगों के ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी है, आज धुंध तो नहीं है, यानी कि जो फोग है वो आज सुबह सुबह नहीं है, लेकिन जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है तेज़, ये आपको इस झंडे से लग रहा होगा, ये देखें तेज़ हवा चल रही है और अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है। और इस तरफ देखें हमारा तो, मकान जो है वो अभी बैक साइड वाली दीवार भी नहीं बनी और फ्रंट तो, वाली भी। ये तो श्री से भी पता चल जाएगा, श्री से भी पता चल, हाँ श्री से भी पता चल जाएगा, ये देखें श्री से भी पता चल जाएगा कि कितनी तेज़ हवा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे जो घर घर छोटा सा घर हमने बनाया है उसका जो क्या दीवार पीछे वाली और आगे वाली दीवार बनाने के लिए आना था, हमें तो खैर पता नहीं चलता इसका कि कैसे बनाई जाती है, तो वही मैं कह रहा हूँ भांजे को ना भी आए तो फिर कोई ना कोई तरीका खुद लड़ाते हैं, तो उनको फ़ोन किया कह रहे हैं कि सर्दी बहुत है तो मैं अभी आ जाता हूँ, थोड़ा वेट करें। हमने कहा कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम भी हो चुका अभी तक नहीं पहुँचे, तो जैसे पहुँचते हैं इंशाल्लाह फिर जो है ना ये बनाते हैं, इसको बना के फिर आगे का काम जो होगा फिर देखते हैं फिर इंशाल्लाह। ये अम्मी अबू हमें बताते थे जब हम छोटे हुआ करते थे कि ये जो पुराने लोग थे इसी तरह के घरों में रहते थे, 100 साल पुराने घर, तो इसमें ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, सर्दियों में गर्म हो जाता है और गर्मियों में ठंडा हो जाता है, तो आंधी वगैरह है बारिश है वो भी नहीं आती इसमें, और बहुत अच्छा फील होता है और बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है ना इसके जो है ना ये दरवाजे बनाए गए हैं, यहाँ से फिर जो है ना ये अंदाज़ा है मुझे, हाँ ये काटी जाएगी, काटे जाएंगे अंदर से, ये सीधा रास्ता बन जाएगा चार पहिया वगैरह ले जाने के लिए और कुछ रखने के लिए, क्योंकि पहले ना लालटेन हुआ करते थे, दिया वगैरह जलाते थे, लाइटें तो अब आई है ना, तो हम तकरीबन हमने लाइट तो अभी हमारे पास आई है, पहले हम जो है ना दिया जलाते थे। सुबह सुबह आ गई है तायबा बाहर, अभी अभी उठी है थोड़ी देर पहले, तो शूज़ पहना दिया है मामी ने और कोट भी पहना दिया है, कहती है मैंने बाहर जाना है, बाहर जाके खेलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तो आपके साथ आप तो अपना कावा बना रहे हैं उधर, वो किसने बनानी है साल? वो वही उसकी इंतजार में बैठे हुए हैं, वो आया तो नहीं है अभी तक, कह रहा था अभी पहुंचते वाला हूं, फोन किया कहता हूं पहुंच जाता हूं बस, नहीं तो मामी और आप है ना, बेगम सब है और अम्मा भी बैठी है, अम्मा को पता है ना कैसे बनाते हैं, हां अम्मा बताती जाएगी और हम बनाते जाएंगे। क्या वो साल जो बाहर बना रहे हैं? हां ठीक है, हां वैसे हां ठीक है, बिल्कुल बना लेंगे आप? हाँ आप तो बना लेंगे, मैं तो गुजारी भी ऐसे थे। अच्छा उड़ भी जाती है हवा में? हाँ उड़ जाती है, ये अंधेरी आई तो कट्ठी थी। अच्छा सही, नानी माँ कहती है इसकी मजबूती के लिए ना आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कर लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है ना काम। बिल्कुल, यहाँ पर ये देखें जी कहवा तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में मेडिसिन भी ली जा रही है, और उस साइड पर छोटी खाला और बड़ी खाला परिंदों के लिए रोटी के टुकड़े बना रही हैं छोटे छोटे। असल में जब मामी काम से फ्री हो गई हैं, अभी सारे बर्तन वगैरह क्लोज करेंगी और छाबियां वगैरह सब कुछ क्लोज करने के बाद, नाश्ते से क्लोज हो गई हैं, अभी घर का काम ऐसे पड़ा है। हाँ नाश्ता, बाहर सर्दी बहुत है ना इसलिए बैठी हुई। नानी अम्मा के, नानी अम्मा जी आज आपकी ड्यूटी नहीं शुरू हुई? नहीं भाई आज सर्दी है, कंबल ओढ़ी बैठी हूं। अच्छा आज छुट्टी है? छुट्टी, चलें जी ठीक, कंबल ओढ़ के बैठी हूं, सर्दी उतर जाएगी, सर्दी उतर जाएगी तो काम को लगवे सा, हां
सर्दी उतर जाएगी तो फिर अपने काम को लागू रखना। अच्छा हाँ। अभी नहीं लगना? नहीं अभी सर्दी है ना। चलो सैर कराऊंगा आपको मुजफ्फरगढ़। नहीं 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 चलें भाई, मैं ठहरो ऐसा वहाँ पर दो तीन भाई रखी है मेरे को, तीन दो दो तीन बंदों का इंटरव्यू करेंगे। हाँ चलें ठीक है चलें ठीक है। यूके वाले कहते हैं ननियमा को ले जाए इंटरव्यू करने के लिए। नहीं नहीं पूछे थे यूके। हाँ अच्छा चलो, जाना यूके। हाँ पूछा रहे यूके जाना है। हाँ किधर जाना है? अपने बेटियां कान भाइयां कान बेटियां कान। अच्छा मिल के आ जाए। चलें जी ठीक है, फिर जहाज की टिकट लगवाते हैं। हाँ उन्हीं बेटी और बेटों को बोल दो ना, वो लगवा देंगे। लगा ले सर, आपको बुला लेंगे। हाँ तैबा किधर चली गई? पता नहीं, इधर बैठी थी मामा। सर्दी बहुत है उसका, उसको बाहर ना जाने दे, खेल रही होगी। मामू का कावा तैयार हो गया है, मामू कावा पीते हैं। ओए सर्दी नजर नहीं आती आपको? उसको इधर देखो, ये देखो हाल क्या किया हुआ है, उसको लेकर इधर आ गए हो। हाँ चलो उधर घर, चलो तैबा घर आ जाओ, चलो आ ही नहीं रही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है? मैं वहां ढूंढ ढूंढ के इसको पागल हो गई हूँ, और इसको बस यही मट्टी नजर आती है सारा दिन, इसके बस कपड़े बदली करते रहो। आ गई अभी उठाने के लिए, कल कोट धोया है कल कल। मुस्तफा नीचे आ, बहुत तंग करती है बहुत, सर्दी नजर नहीं आती, ठंडी मुंह कितना ठंडा हो गया है। तबा 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 रेवड़ियां खा रही हो है? तबा रेवड़ियां खा रही हो? अच्छा इसको कहां से ढूंढ के ले आई हो? मट्टी के ढेर पे एक ही तो जगह है, एक ही तो जगह है जहां पे ये जाती है। हां ये मट्टी जगह, इसको सर्दी नजर नहीं आती। अभी आ गए मामी जी गंदम साफ करने के लिए, गंदम हमने वहां स्टोर की हुई है, अभी थोड़ी सी रहती है और लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी सर्दियां जो है वो आ गई है, गंदम अभी ख़त्म हो गई है, सबके पास भी ख़त्म हो गई है, इधर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर इस साइड से होगी, इस साइड से नहीं होगी। देख देखें ये भी आ गई है, किधर है? सर्दी है सर्दी, मैंने पंखा बंद कर दिया है, फिर हवा लगेगी, इसको हवा लगेगी। ये देखो ये डंडियां वैसे अलग हो जाएंगी ना हवा से, ये देखें जी ये डंडियां अलग करनी है और ये गंदम जो है ये अलग करनी है। ये देखें जी बच्चों के जाने के बाद सुबह सुबह कमरे का कुछ ऐसा लुक होता है, क्योंकि मैं जैसे उठती हूँ फौरन चली जाती हूँ नमाज अदा करने के लिए, बस वहीं पे अपना नाश्ता भी बनाया और कोठी में नमाज भी पढ़ ली, और बच्चे फिर बाद में साथ साथ उठते हैं मेरे पीछे पीछे, उन बच्चों ने भी उधर नमाज पढ़ ली, फिर आते हैं यहाँ पे अपने यूनिफॉर्म बदली कर कर फिर वहीं चले जाते हैं, फिर आकर मैं खुद ही समेटती रहती हूँ। अब यहाँ पे पूरा दस्ता वगैरह, आज मुझे लगता है पेपर हो रहे हैं इनके, ये भूल गए हैं, ये भूल गए, और टीचर से डांट भी खाएंगे, तो बस जल्दी से घर का काम करते हैं उसके बाद मिलते हैं। अभी अभी कवों को जो है ना वो दाना डाला है, तो देखें इनकी हालत देखें, वो आपस में लड़ रहे हैं और खा रहे हैं, आज काफ़ी सारे कवे जमा हो गए हैं क्योंकि सर्दी है ना, दाना कहीं और से नहीं मिला तो फिर यहीं पर आ गए सब जमा हो गए। देखिए जी मैं बैट पकड़े खेल रहा था तो भागी आई मुझसे बैट ले लिया, कहती है मैं खेलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंतज़ार के बाद अभी जो है वो खिड़का बांधने वाला पहुँच चुका है, यानी कि ये सारा जो घर है इस भाई ने बनाया है और इसकी टीम ने साथ में मिलकर बनाया है, ये दरवाज़ा बना रहे हैं, देखें यहाँ से ये भी काट दिया और ये कितना प्यारा बनाया है, तो अभी ये लगाएंगे फिर देखेंगे। बैक साइड जो है वो लगा चुके हैं, पिछली साइड ये देखें लग चुकी है, अभी अंदर जो है ना वो अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन बैक साइड जो है ना ऊपर से फिर काटी जाएगी, इसको साथ में जॉइंट करके लगाया जाएगा, फ़िलहाल ये फिट नहीं हुई, अभी फ़िट होगी फिर आप लोगों को दिखाते हैं, इस तरह इस साइड से फिट हुई है, इस साइड से भी फिट होगी। पीछे से मामू और मामी भी देखने के लिए आ गए हैं कि दरवाजा कैसे बनाते हैं भाई। मैंने कहा कि आज आता नहीं है ना, मैं इंतजार में था, हम अंदर कहवा पीने के लिए बैठ गए और भाई आके काम को शुरू हो गया माशाल्लाह से।
हम यहाँ पर सर्दी नहीं लगती ऐसे नहीं, बिल्कुल सर्दी बिल्कुल लगती नहीं है। तैबा इधर देखो, अल्लाह इसको बंद करेंगे ना। हाँ हाँ अभी बंद करना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट वाला जो खिड़का है वो तैयार हो चुका है, इसे हम अपनी लैंग्वेज में तो खिड़का कहते हैं लेकिन इसका फ्रंट साइड का जो कवर है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। अभी यहाँ से जगह बनाई जा रही है उसको लगाने के लिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी दरवाज़ा जी फिट किया जा रहा है हमारे मकान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें जी फिक्स है। क्या बात है मामू जी, ये देखें जी मामी पानी लेकर आई है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है ना, प्यास लगी हुई है उधर कहते हैं मामी गर्मी बहुत है, अभी कहते हैं प्यास लगी है सर्दी बहुत है। पानी जितना पियो फायदा है ना मेरे लिए। अच्छा चलें जी अभी इस दरवाजे को साथ में टिकाने के लिए इसकी लेवल की जा रही है और लेवल को करने के बाद इसकी फिर से ऊपर कटाई की जाएगी। इसको आपस में बांधा जाएगा, जकड़ा जाएगा रस्सी के साथ। जो ये रस्सी इस्तेमाल की गई है इसमें कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई, ये प्योर जो है ये सिर्फ सर का बना हुआ है। पहले विलेज में घर हुआ करते थे, आज से तकरीबन 70-80 साल पहले चले जाएं या 20-30-40 साल पहले चले जाएं तो जो लो तबका हुआ करता था वो इन तरह के घरों में रहा करता था। अभी भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर हमारे इलाके में इस तरह के घर इस्तेमाल करते हैं। हम खुद इस जैसे घरों में बड़े हुए हैं। बिल्कुल, जब मामू की शादी हुई कहते हैं कि एक सिर्फ मकान था बाकी सब जो है ना इस तरह के मकान हुआ करते थे। वो भी अबू जान ने खुद ईंटें बनाई और खुद बनाया सब कुछ, वरना तो हमारे जो है ना ये दो इस जैसे दो मकान थे ऐसे ग्रीडे नुमा। जी बिल्कुल, और मामी की जब शादी हुई थी जी तभी इस तरह का घर था। हाँ इस तरह का घर था और सेज वगैरह बनाई थी इसके लिए। अच्छा मामू इसमें सेज वगैरह बनी हो लगता बहुत खूबसूरत है, अंदर थोड़ी थोड़ी लाइटिंग हुई हो ऐसे नहीं, नेचुरल लाइट थी कैसी। और इंशाल्लाह दिखाएंगे। और रियल बात है मामू अंदर चले, ये देखें जी इसमें अगर हम बाहर खड़े हैं तो बाहर हवा चल रही है हर तरफ बहुत सर्दी लग रही है और यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल सुकून है और खामोशी। और यहाँ पर जो है ना तो सर्दियों में ये गर्म हो जाता है, गर्मियों में ये ठंडा हो जाता है, हर मौसम में मुतदिल है। आंधी आती है ना तो इस ऐसे ऐसे हिलता है तो डर भी लगता है लेकिन गिरता नहीं, जितने तूफान आए। बिल्कुल, और ये है जी उस्ताद साहब आप बताएं आपकी शादी ऐसे मकानों में हुई थी या दूसरे वाले। ऐसे मकान में हुई थी। हाँ जी। और बारात किस चीज पे आई थी, ऊँटों पे। ऊँटों पे। अच्छा जी, ऊँटों पे कैसे बैठते थे सब औरतें जो है ना वो ऊँटों पे बैठती थी। हाँ, कचावे से। अच्छा कचावे किस तरह होते हैं वो, खुले होते हैं। अच्छा ऊँट के ऊपर रखते हैं। हाँ, ऊपर रखते हैं। इस इधर से भी बैठते हैं, इधर से भी बैठते हैं। मुझे भी बचपन में बैठाया गया था लेकिन मैंने तो दबा के जो है ना छलांग लगा रोने लग गया था। अच्छा, अब्बू जान और सब अम्मी जान ने जो है ना नीचे मुझे उतार दिया था, मैं तो डर गया था बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे गर्मियों में बैठकर एडिटिंग करने का मजा आएगा। गर्मियों में ठंडा भी बहुत ज्यादा, सर्दियों में भी सुकून मिलेगा। इसे उतारा था इसकी कटिंग के लिए लेकिन मामू ने कहा इसे वहीं पर रख कर उसके बराबर कटिंग की जाए, फिर जो है ना भाई लगा रहे हैं। ये देखें अभी जी हमारे मकान की ओपन सेरेमनी हो रही है, ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, मामू अपने हाथ से काटे हैं। ये जी दरवाजा जो है वो काटा जा रहा है, रास्ता हमारा। ये नीचे वाली रहने देंगे या अभी काटेंगे? ये भी काटेंगे क्योंकि अगर उसके बराबर होती तो फिर तो रहने देते। ये देखे जी यहाँ पर अभी दूसरे सर लगाकर इसको बिल्कुल सील बंद किया जा रहा है कि यहाँ से ना अंदर हवा जाए ना अंदर की हवा बाहर आए। कल गांव से हमें आए थे हमारा ग्रीडा बांधने के लिए, वो मकान बनाने के लिए, तो वो साग लेकर आए थे। नानी अम्मा ये देखें साग यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर आटा छाना जा रहा है दोपहर की रोटी बनाने के लिए और अभी तक सर्दी बनी हुई है। अम्मा ये क्या, थोड़ी देर पहले आप साग काट रही थी अभी फिर गोभी काटना शुरू कर। क्यों? अच्छा वो पकेगा नहीं अभी? चलें जी ये देखें थोड़ा सा काट के ना नानी अम्मा ने मेरे ख्याल में रख दिया है। चलें जी, और क्योंकि कल साग खाया था हमने इसलिए पोस्टपोन कर दिया है कल पे, फिर कल जो है ना साग बनेगा हमारे घर।
रबी बनाई जा रही है। ये देखें गोभी, और गोभी माशाल्लाह आज बहुत ही खूबसूरत है, ताज़ा ताज़ा गोभी है। बनाई जा रही है रोटी, और यहाँ पे बड़ी खाला जो है वो ढेर सारे अंडे लेकर ऑमलेट बना रही हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं। जैसे कि बिस्मा अभी पकौड़े खा रही है, और मुस्तफ़ा ये देखें पकौड़ों के साथ रोटी खा रहे हैं। मुँह को सर्दी लगी हुई है, अभी यहाँ पर सोए हुए हैं, और मामी और कंबल ले लेकर आ रही है। मामी मेरा खावा बीमार है ना बेचारा। ये शाल देखें कितनी खूबसूरत है, और मामू को ये गिफ्ट आई थी, गिफ्ट आई थी, मैंने संभाल के रखी थी। क्या बात है जी, क्या बात ये है, ये भी गिफ्ट पहना हुआ है, और ये शाल भी, ये भी यूके से आई थी, अभी तक टैग भी लगा हुआ है, यूएसए से, हाँ टैग भी लगा हुआ है। कितने डॉलर की है, सिस्टर है हमारी, ये ऊपर करना पता नहीं, जफर इंटरटेनमेंट ये होगा, शॉप का नाम होगा। नहीं नहीं, ये द्रास से उन्होंने खरीद के भेजी थी। हाँ, ये दुबई वाली फैमिली ने भेजी थी, नहीं यू, हाँ यूएसए, हाँ यूएसए वाली फैमिली ने द्रास से खरीद कर भेजी थी। ये देखें अभी द्रास का स्कैन कोड भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों सिस्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं देख पा रहे हैं हमें, ये जो कोट है ये यूके से आया था, और ये जो है ये यूएसए से, मैंने संभाल के रखा था, मैंने कहा सर्दियों में काम आएगा। अच्छा, ये कंबल भी बहुत, ये भी मेरे लिए गिफ्ट है। ये मामी ने गिफ्ट दिया है, ये आपकी मामी ने गिफ्ट दिया। चलें फिलहाल सर्दी तो रोकेगा ना आपकी, सर्दी रोकेगा। यहाँ पर जी हमारे ग्रिडियर का काम अभी तक जारी है, वो दोबारा बनवा रहा है बैक साइड। चलें जी बैक साइड जो है वो दोबारा बनाई जा रही है, ये दिखे कि वो थोड़ी सी ना उसमें कमी थी, तो मामू उसको दोबारा रिपेयर करवा रहे हैं। अब ठीक है, अब तो बेस्ट है, चलें जी ठीक हो गया। अबे छुआर है ना, अच्छा जरा सही नहीं पढ़ाई, सही अंकल कहते हैं कि वो लड़के लगे हुए थे उन्होंने ठीक नहीं बनाई, अब मैं खुद बना रहा हूँ तो अब जबरदस्त है। चलें आप भी वैसी ना हो पहले की तरह ना, चलें फिर ठीक है। ये देखें जी यहाँ पर बच्चों के अपने खेल शुरू हो गए हैं, वो अपना उसी तरह का ग्रीड़ा बना रहे हैं। मुस्तफा क्या कर रहे हो, खेल रहे। क्या क्या खेल रहे हो, खट्टा खेल रहे, खट्टा खेल रहे हैं। और यहाँ पर जी मुकम्मल हो चुका है पिछले वाले साइड का, जो दोबारा रिपेयर किया है, दोबारा इसको बनाया है मोटा करके, अब ये ठीक ठाक बन गया है, आपको शेप भी नज़र आ रही होगी, और मोटाई भी काफ़ी हो गई है। ये जी बिच्छू है, और मैं मामू के पास लेकर जा रहा हूँ। मामू चेक करें बच्चे को ना, दस ले यार किधर गया, ये देखें चेक करें, दस ना ले किसी को, और ऊपर मामू ब्लैक ब्लैक, ये सारी जहर है, ये पॉइजन है, बिच्छू है, ये बहुत ही खतरनाक बिच्छू है। ये देखें ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक है, ये सारी पॉइजन है बेटा, हट जाओ। और ये ऊपर इसके साथ ही डंग है इसका, और इसकी जहर बहुत होती है। अभी बारी है मामू की, मामू ये सैलिन की शलजम जो है वो मामी ने चढ़ा दी है ऊपर, और अभी यहाँ पर तैयबा को अंडा खिलाया जा रहा है, क्योंकि बाहर सारा दिन भाग भाग के ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई है इसे, और अभी भी देखें कपड़े सारे ख़राब किए हुए हैं। यहाँ पर अभी तक अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ है, अभी बहुत सारा सामान पड़ा है बनाने वाला जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मकान है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये फ्रंट वाला जो गेट आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसकी जो ऊपर वाली जगह खड़ी है इसकी अब कटाई बाकी है, और पीछे वाली जगह की कटाई बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अंदर आप लोगों को अभी अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, ये देखें जी अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी मैं आगे चल कर आप लोगों को दिखाता हूँ मज़ीद, अभी बच्चों का शोर है इधर, और ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जगह भी बंद हो जाएगी, ये भी बंद हो जाएगी, ये वाली जगह जैसे हो गई, ये वाली हो गई, ये अभी यहाँ से, क्योंकि ये देखें ना रस्सी आई हुई है, तो इस वजह से ये नज़र आ रहा है, तो वो भाई ऐसे कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी। अभी भाई साहब करने लगे हैं फ्रंट की गेट की कटाई, अभी फ्रंट के गेट की जो है वो कटाई हो रही है, और वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी इस वीडियो से लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।